ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुंबई। दर्द होने तो एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। इन्वर्टेड यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, तो वो टाइम पे ना पेशेंट शॉक में जाता है। आप लोग कमेंट पास मत करो, या आप लोग ने बताया, हम लोग डॉक्टर नहीं है। तो एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन ड्राइवर जगह पे है नहीं। उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पूरा ब्लड उसका खत्म हो चुका था, थोड़ी देर में वो ऑफ हो गई। कोई डॉक्टर नहीं था। भाभी बोल रही थी बाबू मैं मर जाऊंगी, मेरी जान चले जाएगी। मेरी भाभी स्ट्रेचर पे थी। गाड़ी की चाबी लो, आप लेकर जाओ, आपको गाड़ी चलाने आ दिए। तो ये कोई स्टाफ है आपका, ये आपका बंदोबस्त है यहाँ पे? महानगर पालिका की इसमें 101% गलती हुई है। वो लोग ने ये बोले कि हम लोग शिवाजी में लेके जाए तक कि तुम्हारा पेशेंट बचेगा नहीं बोले। ये पेशेंट जब तुम्हारे ताबे में है ना, तो पेशेंट के बारे में डिसीजन तुमको लेने का है। तड़प रही अपनी माँ के लिए, हम लोग कहाँ से लाके देंगे उसकी माँ? डॉक्टर शीतल पटेल 24 hours ऑन कॉल आ रहा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम वली स्थित जो टीएमसी का हॉस्पिटल है, स्वतंत्रता सैनिक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल ये है। और इस हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम नाजरीन कुरैसी, 32 साल बताया जा रहा है। दरअसल ये महिला जो है इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसे, और उसकी जो है डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन कल बताया जा रहा है कि जब डिलीवरी हुई उसकी, उसके बाद उस महिला का खून ज़्यादा बह रहा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल से जो है उसे दूसरे जगह हॉस्पिटल भेजने के लिए सिस्टर कहने लगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि महिला की जब डिलीवरी हुई उस वक्त जो है कोई भी डॉक्टर नहीं था मौजूद, सिर्फ दो नर्स थी, वही दोनों नर्स ने महिला का डिलीवरी कराया था। और ज़्यादा खून बहने की वजह से महिला को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जो है लेकर जाना था। लेकिन हैरानी और इस बात की होगी कि ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस बताया जा रहा है कि 24 घंटा यहाँ पर चलेगा। ये देखेंगे लिखा है 24x7, यानी 24 घंटा इस एम्बुलेंस की जो है सेवा दी जाएगी। लेकिन जो परिवार हैं उनका, शादाब और सनोवर जो मृतक महिला है उनके जो परिवार हैं, ये जिनका नाम शादाब और सनोवर है, इन लोगों का ऐसा कहना है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर ही नहीं था और महिला का जो है काफ़ी खून बह रहा था। स्ट्रेचर पर लेकर उसी महिला को यहाँ अस्पताल के गेट पर वो लोग खड़े थे, और इस एम्बुलेंस का जो बताया जा रहा है वो ड्राइवर ही मौजूद नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि परिवार के तरफ से कि उन्हें ही चाबी दिया जा रहा था कि आप लोग चाबी लें और जो है हॉस्पिटल लेकर पहुँचाएँ। इस तरह की जो है बात सामने आई। हालांकि परिवार जो है उस महिला को बचाने की काफ़ी कोशिश की, मुमरा के कई हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाया गया, लेकिन सभी ने जो है इनकार कर दिया क्योंकि हालत जो है वो काफ़ी जो है ख़राब हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर आखिर में ले जाकर जो है उस महिला को, जिसका नाम जो है नाजरीन बताया जा रहा है, नाजरीन कुरैसी, इस महिला को कालशेखर जो अब CHC हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट कराया गया, लेकिन आखिरकार वो महिला की जो है मौत हो गई। और आज दोपहर के वक्त इस हॉस्पिटल में जो राजन कीने हैं वो अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे थे कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई, डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद था उस वक्त, सिर्फ सिस्टर मौजूद थी, ऐसी जानकारी आ रही है। इस मामले को लेकर राजन किने ने जो हॉस्पिटल है यहाँ पर विज़िट किया, और यहाँ के अभी बताया जा रहा है ऐसा कि जो डे में मौजूद थी नर्स, उन नर्सों ने बताया कि उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, रात के समय वाली जो नर्स थी वो मौजूद थी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से जब पेशेंट को लेकर जाया जा रहा था तो कम से कम हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि यहाँ से उन्हें कलवा हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता, लेकिन ऐसा किसी भी तरह का कोई भी लेटर वगैरह बताया जा रहा है कि मरीज़ के परिजन को दिया नहीं गया। और आखिरकार
मरीज जो है उस महिला को लेकर ये एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ते रहे और आखिरकार उस महिला ने जो बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा तो सुरक्षित है, लेकिन वो महिला अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। परिवार का कहना है कि वो इस मामले को लेकर जो है कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस महिला की मौत का मामला सामने आया, इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। करोड़ों रुपए लगाकर जो अब तक बताया जा रहा है करीब 140 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल में खर्च हुए हैं, लेकिन इलाज के नाम पर ये किस तरह सा मामला सामने आया, कैसे यहाँ पर एक महिला की जो है मौत का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है, राजन कीने ने क्या कुछ कहा है, वो आपको हम सुनाते हैं। मेरे को बता रहे नॉर्मली है और उसको लाई जब से उसको चक्कर आ रही थी यहाँ पे, मैं 9 बजे से लाई, थोड़ी थोड़ी देर में आधे आधे घंटे में जा रही हूँ, तो जल्दी लोग अंदर जाके अपने पेशेंट को देखने देते नहीं है। मैं अंदर गई, बार बार पूछ रही हूँ पेशेंट को चक्कर आ रही है, आपने कुछ दवा गोली दिए, इसको दर्द हो रहा है, तो बोले हाँ, बोले दर्द होने तो एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। पूरा दिन चले गया, रात के 8:30 बजे इसको अंदर लेके गए डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए लेके गए, हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे, अभी कुछ खबर आएगी, बोले बच्चा नॉर्मल हो गया है। 5 मिनट के अंदर भाग के आई, मेरे को बोलती है कि तुम अंदर आके बोले अपने पेशेंट को देखो, बोले वो अजंता जो थैली होती है बोले वो निकल रही नहीं है और पूरा ब्लड जा रहा है उसका, और उसकी कंडीशन एकदम इन लोगों ने ख़राब कर दी उधर ही, एकदम इमरजेंसी है, बोले इसको दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इधर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको शिवाजी में जाने के बारे में कुछ बोले, शिवाजी मेरे को हम लोग को लोग ने ये बोले कि हम लोग शिवाजी में लेके जाए तक कि तुम्हारा पेशेंट बचेगा नहीं, बोले ऐसा बोले उन्होंने, ऐसा उन्होंने मुझे बोले। कौन थी सिस्टर, वो यहाँ पे कहाँ है वो सिस्टर, नहीं ठीक है वो उसको बुला लेंगे अपन, लेकिन सिस्टर ने बोला, सिस्टर ने बोला मुझे यही बात, अंदर ही लेबर वार्ड में डॉक्टर कोई नहीं था ना, कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ सिस्टर थे और आया मां लोग थी। मैं बोली कि ना ठीक है, मैं मेरे भाई को फोन करी फटाफट के, भाई तू जल्दी से आ यहाँ पे, मैं बोली बहुत मेरी भाभी की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, मैं बोली दूसरे डॉक्टर लेके जाने, बोले भाई बोला दूसरे डॉक्टर, बोले कौन सा डॉक्टर, तो हम लोग बोले तुमको जो ठीक लगेगा ना नज़दीक का प्राइवेट डॉक्टर, हम लोग कहीं भी लेके जाने को भाई बोला तैयार है, लेकिन इन लोग यहाँ पे कौन सा दवाखाना था जिधर लेके गए, आईकॉन में लेके गए, उधर लेके गए, उधर लिए, जब नीचे उतारे अपनी नीचे लेके गए यहाँ पे स्ट्रेचर पे, आधा घंटा हम लोग का वेट करा, एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर कोई नहीं, दो ड्राइवर को फोन लगा रहे, ड्राइवर है नहीं, आधा घंटा वो पेशेंट स्ट्रेचर पे हम लोग लेके खड़े, भाई उधर जाके सबके पैर पड़ा है, किसी को गाड़ी चलाना आती है तो मेरी बीवी को लेके चले जाओ नहीं तो मर जाएगी वो। फिर बाद में आईकॉन में लेके गए, उधर बोले आईकॉन नजदीक है, इन लोग नहीं सजेशन दिए, बोले जो नजदीक में प्राइवेट डॉक्टर है उधर लेके जाए, आईकॉन में लेके गए, उन लोग ने नहीं लिए। फिर बुरानी बोले, हम लोग बुरानी भागे लेके, बुरानी में भी हम लोग गए तो बोले हम लोग के पास वेंटिलेटर खाली नहीं है, बोले दो है, दोनों पे पेशेंट है, बोले तुम्हारे पेशेंट की यहाँ पे चेक मतलब इलाज नहीं हो सकता है। हम लोग वहाँ से भी फिर लेके, बोले हम लोग वही डॉक्टर का भाई ना हाथ पैर पड़ा, बोले हम लोग कहाँ लेके जाए भाई, हम लोग अभी तुम बिलाल बोल रहे हो बिलाल में लेके जाएंगे, वहाँ भी नहीं लेंगे तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग को यहाँ पे खालसेकर हॉस्पिटल है वहाँ का बोले, बोले वहाँ पे बोले 100 वेंटिलेटर है, बोले तुम्हारे पेशेंट का उधर इलाज हो जाएगा। वहाँ पे ले जाने के बाद इतनी सीरियस कंडीशन हो गई उसकी कि वो आधे घंटे के बाद ऑफ हो गई, वो 11:30 वहाँ लेके गए थे आप, हाँ हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में लोगों ने ट्रीटमेंट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, लेकिन वो बची नहीं, भाई से सब जगह पे, और लोग भाई से ना इन लोग है ना अपने सब कोरे कागज पे साइन ले लिए, सब कोरे कागज पे साइन करा लिए, उसके बाद उसमें क्या लिखे लोग खालसेकर में वो सिस्टर ने बैठ के, और उसके बाद एकदम कंडीशन खराब, और ड्राइवर भी भाग गया बाद में, उनकी एम्बुलेंस खड़ी थी, हम लोग बोल रहे थे आपने जो ट्रीटमेंट करे जो भी करे उसके एटलीस्ट पेपर दिखाओ, लोग पेपर दिखाने के लिए रेडी नहीं थे, पेपर एक पेपर नहीं दिखा, एट द एंड हम लोग ने बोले कि एम्बुलेंस लेके निकाल देंगे, तब जाके हम लोग ने पेपर दिए, वहाँ पर जो सिस्टर अवेलेबल थी वैन में वो उसका बयान है, ये वायरल वीडियो पे भी अवेलेबल है, वो बोलती की बड़ी सिस्टर थी, इतनी सीरियस कंडीशन थी, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था कि बड़ी सिस्टर कर रहे थे असिस्ट करने के लिए, डॉक्टर होना चाहिए ना अवेलेबल, इतना बड़ा दवाखाना है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, बड़ी सिस्टर लोग बोलते, मेरे भाई की 4 साल की बच्ची है छोटी, सब हॉस्पिटल ही बच्चे को लेके घूम रही, इसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं, पानी निकालते कुछ नहीं करे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरे हम लोग सिस्टर ने बोला था आपको कि आईकॉन में उधर डॉक्टर है करके, भाई ने पूछा तुमको लेटर दिया था ना शिवाजी कलवा का, हाँ
आप लोग ने बोले आपका एम्बुलेंस का ड्राइवर ही नहीं है, एम्बुलेंस बाहर खड़े स्टेशन में रखेगा मरी कैसा लिखे, हम लोग चला गए लिखेंगे एम्बुलेंस को, और डॉक्टर तो होना चाहिए। एम्बुलेंस का ड्राइवर बोला अभी अभी बात करो, कहाँ गया वो, भरोसे छोड़ देते पेशेंट को। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, जो वो हुआ था ना इन्वर्टेड यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, तो वो टाइम पे ना पेशेंट शॉक में जाता है। इन्होंने भाई ने क्या बोला करके, अभी फिलहाल मेरी बीवी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप मुझे कलवा शिवाजी तक पहुंचाओ। कोई आप लोग गवर्नमेंट पास मत करो, ये आप लोग ने बताया, हम लोग डॉक्टर नहीं है। हाँ आप नहीं थे ना वो वहाँ पर, उनका कोई रूल नहीं है। हाँ आपकी सुन रही हूँ, इनका सुन रही हूँ और आपको बता रही हूँ। आपकी सिस्टर ने मुझे बोली आपकी पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब है कि हम लंबा हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों से नहीं समझता ना उसी वगैरह भेज देते ना तो वो जा सकती थी, लेकिन इतना लेट करने के बाद आप बोलोगे लेके जाओ ना वहाँ जा सकेगी ना यहाँ, एक तो मुंबई का ट्रैफिक ऐसा होता मालूम है होगा कुछ, नाइट की बात है ये रात में हाँ तो 9 बजे भरचक ट्रैफिक, कितना मिनट लगा वहाँ पहुँचने तुम लोग को नहीं, यहाँ से कितने बजे निकले मुझे पता चले ना, क्योंकि देखो इन्वर्टेड जो यूट्रस होता है ना उसका एक टाइमलाइन होता है कि ये टाइमलाइन तक आप अगर हॉस्पिटल पहुंच जाओगे प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो जाए ना तो आपका पेशेंट बचता, तो इसलिए मुझे टाइम चाहिए सर, टाइम आप बोलो, आपको मैंने पूछा ना आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, आपने गलत बात नहीं करी, आप गलत बोल रहे हो, गाड़ी छोड़कर भाग गया तो आधा घंटा तो उसने वेस्ट कर दिया, बुलाओ ड्राइवर को, अभी ड्राइवर से बात करो, किधर गया ड्राइवर, तुम वो बात कर रहे हो कि कितना टाइम लग रहा है, तो तुम्हारा इधर ड्राइवर ही जब आधा घंटा, वही मैं बोल रही थी ड्राइवर तुमको कितने बजे आया, मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आपका ड्राइवर 8:45 बजे मैं स्टेशन लेके नीचे उतरी, ड्राइवर था ही नहीं, ड्राइवर उस जगह पे था ही नहीं, आधे घंटे के बाद आया ड्राइवर उधर, वो बोल रहे थे वो टॉयलेट में गया था करके, ऐसा बोल रहे हो, बोले अभी नहीं, आपकी सिस्टर ने मुझे क्या बोली सर, बोले ड्राइवर अभी बोले था बाइक पे बैठा हुआ था, पता नहीं कहाँ चले गया बोले, और दोनों नंबर से फोन लगा रहे, दो नंबर में फोन नहीं उठा रहा है वो, This is practically it is wrong. अपना ड्राइवर ने जवाब देना चाहिए, where he was half an hour, you take a half an hour for a toilet? Huh? 15 or 5 minutes is important, not 50, 30 minutes. This is blunder. ये ब्लंडर है तुम्हारा। हाथ पैर जोड़ा कि किसी को एम्बुलेंस चलाना आती तो चला लो, मेरी बीवी की जान बचा दो बोले। अब पेशेंट खुद बोल रहा है, बोले अगर मेरी जान बचा लो, बोले ड्राइवर कब आया 30 मिनट, मैं तो देखो एक नॉर्मल वॉशरूम करने के लिए 5 से 10 मिनट लगता है, आधा घंटा नहीं लगता, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि वो सच में वॉशरूम में गया था कि किधर और गया था, उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल में, उसको टीएमसी ने बोले 24 आवर्स बैठने, तो उसको बैठना ही यहाँ पे, आप समझ रहे हो, हम आपके तरीके से ही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली और आइकॉन का भी हमने आपको बोला कि आप लोग ने किया, तो वो भी मुझे जानना, क्योंकि हमारे पास लीगली लेटर है, सजेशन हम लोग ने दिया था, डॉक्टर ने दिया था, नजदीक जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर अगर तुम पहुँचा नहीं सकते तो फिर तुमने ही बताया ना ये बात, हम तो अपनी मर्जी से नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमको तो उस वक्त कुछ समझ में भी नहीं आया, जवाबदारी आप लोगों की है ना, जब आप लोग मैडम उनका ब्लड पूरा जा चुका था exactly. आपको तो मालूम है ना, तो आप लोगों को मालूम कंडीशन उसकी कितनी थी, हम लोगों को तो नहीं मालूम है, हमको तो मालूम है कि उसके बिस्तर से उठाए ना पूरा खून भरा हुआ था उसके अंदर, यानी कि कंडीशन पूरी खराब हो चुकी थी, वो पेशेंट खुद बोल रहा है कि मुझे बचा लो कि मेरा बच्चा है, सोचो क्या हालत होगी, उसने में पब्लिक अगर यहाँ पे कुछ करेंगे तो बोले आप लोग पब्लिक यहाँ पे हंगामा करती है बोल के, लेकिन यहाँ जब गलती होती है आप लोग नहीं करते हो, कि पेशेंट जब तुम्हारे ताबे में है ना तो पेशेंट के बारे में डिसीजन तुमको लेने का है, उसको शिवाजी में भेजने का है किधर भेजने का वो तुम्हारा लुका होगा, दादा इन्होंने डिसीजन लिया शिवाजी में ही भेजा, उनको लेटर दिया तो, बट वो बीच में जो स्टॉप्स हुए वो किसके परमिशन से हुए, भेजा अगर डिसीजन मैं क्या बोलता, पेशेंट तुम्हारे ताबे में था ना तो तुमको डायरेक्ट उसको शिवाजी में लेके जाने का, बोले कितना टाइम लगा पेशेंट उनको बोल उनके नाते वे को बोलना मांगते है कि नहीं हम लोग वो उधर ही भेजेंगे, उनको ऐसा बोलने का ना जरूरत नहीं है कि तुम प्राइवेट में किधर लेके जाओ, टाइम कम है, कंडीशन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो लोगों ने सजेशन दिया अगर आप अगर अफोर्ड कर सकते हो ना तो इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, क्योंकि उनसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है, अब जो इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर भी तुम्हारा प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट भेजता है
उधर समझो आइकॉन में भेजने का है तो आइकॉन में फोन करके पूछना मांगता है कि पेशेंट की ऐसी ऐसी कंडीशन है, ये समरी है, उसका समरी देना मांगता था पेशेंट का कि ये ऐसा ऐसा है तुम्हारे पास है क्या उसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था, तो उधर वो पूछना मांगता है, वो कितना 5 मिनट का काम रहता है बराबर, तो वो भी नहीं पूछे ना बुरानी में पूछे, कोई भी हॉस्पिटल में पूछे नहीं, ये तुम्हारा काम था ना, इनको क्या मालूम कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, मां करके रो रही है वो, तड़प रही अपनी माँ के लिए, हम लोग कहाँ से लाके देंगे उसकी माँ, अरे आप लेटर क्या लेके बैठे हो, सब डिले हो गया वो, सब डॉक्यूमेंट जितने भी थे ना सब इधर सबमिट करे थे, जो मैं गाइनी डॉक्टर नहीं हूँ और मैं गाइनी डिपार्टमेंट भी नहीं संभालती हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कौन सा लेटर, उन्होंने इंसान के नाते हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारा काम नहीं है, आप मुझे मत सिखाओ, सब से बोले जा रहे सारा फॉलोअप यहाँ से हो रहा था, जब एडमिट करे ना तो जितने भी सोनोग्राफी थी ना जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हुए थे, देखो हम लोग कोविड में ना पेशेंट ज्यादा चेंज करते हैं तो हमें समरी देते हैं, तो वो समरी आपको मिली थी क्या, वो पूछ रहे क्या मालूम कर लो क्यों साइन ले रहे, करना चाहिए कि नहीं, भले नॉर्मल भी डिलीवरी है तो डॉक्टर गायनेक यहाँ पर, गायनेक यहाँ होना जरूरी है कि नहीं, इतने क्रिटिकल कंडीशन में कुछ तो हैंडल करते हैं, वो ब्लीडिंग तो एटलीस्ट, आपको रॉन्ग बोला ही नहीं है, मेरे जो गलती मैं वो देख रही हूँ, अगर मैंने आपको नहीं पॉइंट आउट किया, आप समझो टेक्निकल इसलिए पूछ रहे कि हमसे, हम आपसे कोई गलती हुई, हमसे गलती हुई, गलती तो हुई है ना, मरा है तो गलती हमारी, मेडिकल फर्टिलिटी है उसमें, ऐसा नहीं बोल सकते यही हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल है, हर एक हॉस्पिटल उसमें जिम्मेदारी है, नॉर्मल डिलिवरी झाली तरी गायनिक तर पाहिजे ना त्यांच्याकडे, शीतल पाटील 24 hours ऑन कॉल आहे, ऑन कॉल डिलिवरी होतात इथे, नाही त्यांची, तुम्ही बोलता ऑन कॉल आहे ठीक आहे ऑन कॉल असू द्या, पण त्यांना अशा पेशंटला जर अशी डिलिव्हरी होत असेल त्यांना उपस्थित राहणं गरजेचं आहे की नाही, काय तुमचं काय प्रत्येक नियम काय, एक मिनिट थांबा, एकाने बोला नियम काय, त्यांना उपस्थित असायला पाहिजे की नाही, असं नसलं तरी चालतात का, म्हणजे असं की नसणे डिलिव्हरी करायची असते काय, म्हणजे नियम काय, त्यांनी उपस्थित असायलाच पाहिजे की नाही, कंपल्सरी आहे का त्यांनी असं, ते फिजिकल डॉक्टर पाहिजे की नाही पाहिजे, नसतात ना ते इथे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा, इधर सिर्फ सिस्टर्स अवेलेबल है, डॉक्टर सिर्फ ऑन कॉल रहेगा, और अगर ये बात बोलते तो कोई इधर एडमिट करता है कि अपने पेशेंटों के डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं, सिर्फ सिस्टर्स है, सिस्टर्स के हवाले कोई जान छोड़ देगा किसी की, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं और ये लोग डिलीवरी कर रहे हैं, तुम्हाला विचार तो फक्त की आता जे डॉक्टर्स आहेत ज्यांची अपॉइंटमेंट झाली आहे तर त्यांना ड्युटी तर असेल ना की ओपीडी मध्ये तुम्ही ह्या टायमिंगवर यायचा, डिलिव्हरी असली की तुम्ही हजर राहायचा, असं काहीतरी कायदा असेल ना, तर त्या कायद्यामध्ये त्यांना अटेंडन्स महत्त्वाचे म्हणजे डिलिव्हरीसाठी राहावंच लागेल ना, तर ते ॲबसेंट राहिले, त्यांची अटेंडन्स पण तशीच लागते, त्यांची फिजिकली यायचं नाही असं आहे का त्याचं, सर एवढा डीपली नियम मला माहिती नाही, पण एक व्यक्तीचे जीव गेले 24 hours ऑन कॉल ते असतात, मग त्यांना प्रत्येक वेळी स्पष्ट बोलला तर बरं, बरोबर आम्ही पेशंट बघतो आणि पेशंटला डिटेल्स कळवलं जातं त्याच्यावर, मग त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ट्रीटमेंट केली जाते आणि ओपीडीला ते रोज येतात, तो गेला का हा
यानी यहाँ पर जो भी डिलीवरी होती है ना वो डिलीवरी बिगर गायनेक की डिलीवरी होती है भाई, आया के आया पे भरोसे पे। और महापालिका ने अगर अपॉइंट भी किए डॉक्टर तो इधर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहे। क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं सनोबर शेख, मैं चांद नगर में रहती हूँ। मेरे भाई की वाइफ का इंतकाल हो गया है। कैसे हुआ, क्या पूरा मामला? हम लोग सुबह 9 बजे उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किए, पूरा दिन उसको लेवर पेन होता रहा। उन लोग बोले नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। रात में 8:30 बजे के वक्त एकदम उसकी कंडीशन, उन लोग अंदर लेके गए, अंदर लेके जाने के बाद बेबी तो नॉर्मल हो गई लेकिन उसकी कंडीशन एकदम ख़राब हो गई। उन लोग बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, अजंटा है जो उन लोग निकाल नहीं पाए, बराबर से ब्लीडिंग होने लगी। उन लोग बोले हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते, बोले उनको बोले कहीं और दूसरा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा बोले। और लोग ने मेरे को ये सजेशन दिए कि उन लोग कलवा तो आप लोग अगर लेके जाओगे तो ये नहीं बचेगी बोले। आप हम लोग आप मतलब उन लोग ने ये मेरे को बोले कि यहाँ पर कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है नज़दीक में तो आप वहाँ पर लेके जाओ तो शायद इनकी जान बच सकती है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पैसा। लेकिन भाई बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं अफोर्ड कर लूँगा बोले, कोई बात नहीं है लेकिन आप जो हॉस्पिटल में बोलेंगे मैं वो हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। हम लोग नीचे उतरे स्ट्रेचर लेके, यहाँ से उतरने में 1/2 घंटा, नीचे फ़ोन कर रहे ड्राइवर को, एम्बुलेंस खड़ी है लेकिन ड्राइवर जगह पर है नहीं। 1/2 घंटे के बाद ड्राइवर आया, उसके बाद 1/2 घंटे के बाद उसको पहले अपने आइकॉन हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे लोग ने एडमिट नहीं किए। फिर वहाँ से फिर बुरहानी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी लोग बोले हम लोग के पास अपने वेंटिलेटर खाली नहीं है बोले। वहाँ से लोग ने रिटर्न करके फिर खारसेकल भेजे, खारसेकल के अंदर लेके गए, वहाँ पे एकदम उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पूरा ब्लड उसका ख़त्म हो चुका था, थोड़ी देर में वो ऑफ हो गई। इन लोग ने बहुत लापरवाही किए है, ज़रा भी ट्रीटमेंट यहाँ पर बराबर किए नहीं और हम लोग को सही सजेशन दिए नहीं। यहाँ से डिलीवरी तो एकदम नॉर्मल हुई थी लेकिन जब वो जो अजंटा होता है वो जो क्लीन करते हैं जब वो सब लोग ने निकाल ही नहीं पाए, वो अजंटा फंस गया था। कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ 2 सिस्टर थी और 2 आयम थी और कोई डॉक्टर नहीं था। हॉस्पिटल की तरफ से आपको लेटर वगैरह दिया गया था? कुछ भी लेटर नहीं दिए लोग ने। फौरन जब कंडीशन मेरी भाभी की ख़राब हुई तो मेरे को अंदर लाके बताया कि देखो अपने हमारी अपने तुम्हारी अपने पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, इनको कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा अभी बोले। हम लोग कलवा तक भी नहीं लेके जा सकते, कलवा तक लेके गए तो इनको अपने मतलब इनकी जान को खतरा हो सकता है। और है ना जब हम लोग खालसेकर पहुँचे यहाँ पर ही वो सिस्टर नहीं बताई, लेबर वार्ड में सिस्टर नहीं बोली ये जाने आने ये बात जो टाइम हुआ उसी में उसकी जान गई। हाँ नाजरीन कुरैशी। आप क्या मेरा नाम शादाब कुरैशी है, जिनका इंतकाल हुआ वो मेरी भाभी थी। जब ये हादसा हुआ तब मैं नाइट जॉब करता हूँ, यहाँ पर सुबह 9 बजे एडमिट किए थे, तब मैं 8:30 बजे जब हुआ था ये तब मैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली मेरी नाइट जॉब थी, मेरे को रात के 10 बजे मेरे TL को भाई ने कॉल कर बोला ऐसी ऐसी कंडीशन है। तब तक ये लोग कालसेकर हॉस्पिटल में लेके चले गए थे भाभी को, जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो जब भाभी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, वो ICU में थे, तब जब वो सिस्टर थी उस सिस्टर से भाई बार बार बोल रहे थे कि एटलीस्ट तुम लोग जो डॉक्यूमेंट्स था तुम लोग ने जो बनाए हो जो भी ट्रीटमेंट दिए हो एटलीस्ट वो हम लोग को दिखा दो। वो सिस्टर दिखाने के लिए राज़ी नहीं थी, वो कोई अपने मैडम को बार बार कॉल करे जा रही थी। वो हम लोग बोले एटलीस्ट बोला क्या ट्रीटमेंट दिए वो बता दो, उन लोग बताने के लिए रेडी ही नहीं थे। ये वायरल है, ये वीडियोज़ पर भी अवेलेबल है, वो वीडियोज़ लोग रेडी ही नहीं थे दिखाने के लिए। एट द एंड जब बोले कि एम्बुलेंस हम छोड़ेंगे नहीं आपकी गलती की वजह से इतनी हालत सीरियस हो गई, तब जाके उन्होंने पेपर दिखाया और पेपर पे मेरे भाई के बयानी है या वायरल पे भी है कि उन लोग ने जब नीचे पहुंचे जब मेरे भाई की कंडीशन थी जब वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं थे, जब उनकी वाइफ को पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, जब इन लोग का ड्राइवर नहीं आया था, 1/2 घंटा मेरा भाई वेट कर रहा था उधर, मेरे भाभी को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी, मेरी भाभी बोल रही थी बाबू मैं मर जाऊंगी मेरी जान चले जाएगी, मेरी भाभी स्ट्रेचर पे थी, भाई बोल रहे थे तेरे को कुछ नहीं होगा, वो टाइम पे इन लोग मेरे भाई को सजेशन देते हैं, बोलते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इनको अगर लेके जाएंगे शिवाजी हॉस्पिटल तक के तो इनको कुछ भी हो सकता है। हमारा सजेशन ये है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ना आइकॉन हॉस्पिटल लेके जाओ तो शायद आपको ना अगर हो सकता है कि इनकी जान बच जाए। तो भाई ने मेरे बोले कि मैं अपनी जान बेच के भी ना मैं अगर मेरी अगर बीवी बच सकती ना आप बेहतर जानते हो, उन्होंने सिस्टर से सजेशन लिया रिटर्न में, आप बेहतर जानते हो कि इन्हें शिवाजी लेके जाने का किधर लेके जाना है। तो उन्होंने बताया
चाहे कि प्राइवेट में लेके जाए, तब उनके बयानी पर मेरे भाई ने उनको ना लेके गया। और मेरे भाई की बयानी है कि उन एम्बुलेंस में उनके लेके गए सिस्टर के साथ। और मेरे भाई की बयानी कि मेरा भाई बताता है जब उनको लेके आए थे स्ट्रेचर पे, जब थे उनकी जब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी कंडीशन ये थी कि वो पूरे वाइट पड़ चुके थे, वो नीले पड़ते जा रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट उनकी ब्लीडिंग, यही हॉस्पिटल में उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी जब इनको लेके जा रहे थे। यही रीज़न था कि उन लोग ने मेरे भाई से पेपरों पर साइन कराए और बोले कि मेरे इसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है। और यही रीज़न था कि उन्होंने फिर बाद में ड्राइवर भी चेंज कर दिया, दूसरा ड्राइवर था। यही रीज़न था क्योंकि उनका ड्राइवर लेट आया, तो उनकी मिस्टेक की वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और एक औरत की जान चले गई जिसका 4 साल का छोटा बच्चा बिलख रहा है घर पर और एक नन्ही सी जान है। मेरी मम्मी है वो हार्ट पेशेंट है, वो संभाल नहीं सकते उन छोटे बच्चे को। मेरा भाई रिक्शा ड्राइवर है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे छोटी जान का, कौन इसका जवाबदार है? आज वो इस दुनिया में नहीं रही मेरी भाभी। वायरल वीडियोस में भी है सिस्टर बार बार, जब हम लोग पूछ रहे थे कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो बार बार सिस्टर एक ही चीज़ दोहरा रही थी, उनकी ज़ुबानी है कि ना हमारे साथ ना हमारी बड़ी सिस्टर थी। एंड तक कि उन्होंने ये नहीं बोला कि डॉक्टर अवेलेबल था, क्योंकि इधर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था, कोई गायनेकोलॉजिस्ट था ही नहीं। इतनी बड़ी डिलीवरी हो रही है, सब हो रही है, इधर इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, इधर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अभी लोग बताते हैं कि ऑन कॉल डॉक्टर था, कोई गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था, सिर्फ सिस्टर्स थे जो कर रहे थे। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी डॉक्टर नहीं था कि उनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेता। अगर उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती तो आज हमारी भाभी हमारे साथ में रहती। सिर्फ इनका डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इनके सिस्टर्स के होने की वजह से आज मेरी भाभी की जान गई है। 11:30 के करीब में हुई है, 11:30 के करीब में हो गई थी जब कालसेकर हॉस्पिटल में लेके गए उनको। जब आइकॉन हॉस्पिटल में लेके गए उन्होंने मना कर दिया, जब बुरहानी में लेके गए तो उन्होंने बोले उनके पास 2 ही वेंटिलेटर है और वो दोनों फुल है। तो फिर बाद में भाई ने मेरे पैर पड़े कि मेरी बीवी की जान चले जाएगी, बचा लो। तब जाके उन्होंने बोला कि ये कालसेकर GHC है, उधर 100 वेंटिलेटर है, तो उधर आपका हो जाएगा। तो उधर फिर बाद में उधर जब एडमिट करे तो उधर उनको CPR दिए, वो सब करे, बट इतना ज़्यादा तब तक के उनका इतना टाइम जा चुका था, इतनी उनकी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि उनकी जान चले गई। आलम नाम है मेरा कजिन भाई है वो। रात को जब क्रिटिकल हो गया मैटर, तो बोलता है कि यहाँ पे से ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, आप एक काम करो गाड़ी की चाबी लो, आप लेकर जाओ, आपको गाड़ी चलाने आ दिए। तो ये कोई स्टाफ है आपका, ये आपका बंदोबस्त है यहाँ पे? यहाँ के स्टाफ वालों ने बोले एम्बुलेंस की चाबी दे दी, पर ड्राइवर है नहीं। आधे घंटे तक के ड्राइवर यहाँ पे था नहीं, आधे घंटे तक के पेशेंट दरवाजे पे पड़ा था, परेशान हो रहा था स्ट्रेचर पे, पौना घंटा पेशेंट का। और उसके बाद आधा पौना घंटा हमको हॉस्पिटल जाके ढूंढना पड़ा, उस समय तो उसका टाइम चला गया, उतना ब्लड ब्लीडिंग हो गई उसकी, खत्म हो गई वो लड़की। हम लोगों ने तो केस किया, FIR किया है। हमको पूरी तरीके से यहाँ पे जो लोग इसमें जिम्मेदार है, जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए और हॉस्पिटल पे भी लीगल एक्शन होना चाहिए, यह हमारा राइट है। तो क्या है हमारा ये मुमरा का जो स्वतंत्र सैनिक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में कल एक नाजनीन करके एक लेडी थी, उसका इन्वेंशन यूट्रस होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया और रात को उनका डेथ हो गया है। तो इसकी मालूमात जब हमें पड़ी तो हम यहाँ पर आए और यहाँ के जो जिम्मेदार थे हॉस्पिटल के, उनसे हमने पूछताछ की, तो यहाँ पर जो कल रात को जो लोग थे जिम्मेदार, तो उसमें से कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो प्राथमिक जो मालूमात लिए तो उसके ऊपर से ऐसा मालूम पड़ा है कि जब उसको जो यहाँ से उनको जब एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, तो जब उनको इन्वेंशन यूट्रस हुआ तो यहाँ से इन्होंने हमारे जो सिस्टर थे उन्होंने कुछ प्रिफर किया कि शिवाजी हॉस्पिटल में जाने का है। लेकिन पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो डर गए थे और उनको शायद सिस्टर लोगों ने या किसी ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप उनको लेके जाओ। और यहाँ से वो जब नीचे हॉस्पिटल में लेके आए नीचे, तो यहाँ पर एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो उपलब्ध नहीं था। पहले तो वो ड्राइवर जो कौन था ना उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि उसको यहाँ पर जब एम्बुलेंस पे ड्राइविंग का नौकरी मिला है तो उसको एम्बुलेंस के ऊपर जो जितना उसका ड्यूटी है वो पीरियड में उसको एम्बुलेंस पे बैठे रहना चाहिए था। वो तो आधा घंटा नहीं होने की वजह से फिर बाद में आधे घंटे के बाद वो आने के बाद उनको पेशेंट को लेके गए आइकॉन हॉस्पिटल में।
आइकॉन हॉस्पिटल में, वहाँ पर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की उतनी व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर, और वो जो आइकॉन हॉस्पिटल में जब यहाँ से भेजा गया तो यहाँ के जो जिम्मेदार थे, सिस्टर थी या यहाँ पर जो डॉक्टर होना चाहिए था गायनेक, वो भी यहाँ पर उस वक्त उपलब्ध नहीं था। लेकिन यहाँ से जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाने के लिए उनके रिलेटिव्स ने बात की लेके गए, तो वहाँ पर उनको यहाँ से हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार थे उन्होंने वहाँ पर बात करना चाहिए था, अगर आइकॉन हॉस्पिटल में लेके जा रहे तो आइकॉन हॉस्पिटल में वहाँ पर यहाँ से समरी देना चाहिए था कि पेशेंट का ऐसा ऐसा हुआ है तो उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या, तो ये भी पूछा नहीं गया। उसकी वजह से वहाँ जब लेके गए आइकॉन हॉस्पिटल में, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। फिर वहाँ से बुरहानी लेके गए, बुरहानी में कहा कि हमारे पास दो ही वेंटिलेटर है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। उसकी वजह से फिर वहाँ से उनको जब कालसेकर लेके गया, तो कालसेकर लेके गया वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू किए, उसके बाद में तो उसका पूरा ये हुआ था, ब्लीडिंग हुआ था और वो उसकी वजह से वो पेशेंट को वहाँ डेथ हो गई वो पेशेंट की, और वो जो हुआ है इस पीरियड में, इसके लिए क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, इसमें हॉस्पिटल की जो है सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? अभी लापरवाही तो प्रथम दर्शनी में तो ऐसा लग ही रहा है कि इसमें महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनकी, और मैंने अभी आरोग्य अधिकारी है हमारी चेतना मैडम, उनसे भी बात की है कि अगर इसके बारे में उनको पूरा उनको डिटेल बताया ला है, और वो अभी मेरे को पूरा मालूमात लेके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके बारे में पूरी मालूमात दे रहे। अगर इसमें मैंने उनसे कहा, इसमें अगर जो भी लापरवाही हुई है, लापरवाही तो हुई इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होना चाहिए था उपलब्ध वो नहीं था, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर नहीं। हाँ, वही मैंने कहा कि वो जो गायनेक यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं था, और यहाँ पर जो महानगर पालिका की इसमें 101% गलती हुई है, और महानगर पालिका के पहले हमारे जो ये जो प्रसूति गृह है ये चलता है यहाँ पर, यह हमारे कोलीवाड़ में चलता था हमारे प्रसूति गृह में, वहाँ पर उस वक्त ऐसा रहता था कि 5 आरओ में रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल, आज ये तो समझो मैं समझता हूँ कि पूरे मुमरा के हिसाब से ये हॉस्पिटल में यहाँ मुमरा के पूरे पेशेंट आते, बाहर से भी बहुत सारे पेशेंट आते, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा आर एम होना चाहिए था, इधर दिन भर में एक ही आर एम रहता है, तो आप सोचिए अगर वो गलती तो हुई है। और मैं अभी आगे ये भी कहूँगा कि हम लोग ने इसके लिए मांगनी भी किए थे कि ये जो हॉस्पिटल है कम से कम आपने जो इसको प्रसूति गृह जो चालू किया है तो उसको कम से कम यहाँ पर जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो आप उसको जब शिवाजी के लिए प्रीफर करते तो उसको वहाँ पर प्रीफर न करते हुए यहाँ पर ही उसका इलाज होना चाहिए, यहाँ पर ही आप ओटी वगैरह जो भी है जो हमारे पेशेंट जो प्रसूति के पेशेंट रहते उनके लिए जो यहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट और यहाँ पर उनका पूरा इलाज होना चाहिए, इसके लिए मैं ये भी हम लोग ने पिछले बार मांगनी की थी कि इसको पूरा आप जब इसको प्रसूति गृह बोलते हैं तो इसको पूरा फुल प्लेस में यहाँ से ही पूरा ट्रीटमेंट मिलना मांगता है, हमारे जो इसके लिए आते हैं वो जो पेशेंट उनको पूरा यहाँ से ही ट्रीटमेंट मिलना मांगते हैं। अभी जब हम लोग मैडम से बात की आरोग्य अधिकारी से तो उनके जो उनका मालूमात जो आएगा उसके ऊपर हम लोग आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर होना चाहिए था वो नहीं था, फिर यहाँ पर जो एम्बुलेंस का ड्राइवर उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं था, ये जो कुछ सवाल हैं हमारे ये सवालों के अगर हमको सही तरीके से जवाब नहीं मिले तो इसके बारे में हम लोग आगे ज़रूर कार्रवाई करेंगे।